सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। सो आज हम सारे जा रहे हैं रॉक गार्डन और चलियाट घूमने, जैपनीज पार्क और पता नहीं कौन सा। तो अभी खड़े हैं फिलहाल मनी माचा बस स्टैंड पे और यहाँ से बस लेंगे। इसको अंटिया बहुत पसंद है भाई, बहुत परेशान है, अंटिया बहुत छेड़ती है बहुत। ये आंटीज बॉय है। इसके लिए अपन लोग बस में हैं, मेरी पूरी खाली है बस, आगे पीछे पूरी बस खाली पीछे रह गया। अच्छी बात है हमारे लिए खाली खाली है। सो फाइनली हम कैंप वाला पहुंच गए और यहां से करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल चलेंगे, 25 मिनट लगेगा। आई होप गूगल बाबा हमें भटकाए ना इस बार। तो इधर 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 इस साइड, यस गूगल मैप है ये हमारा। पैरों में मेहंदी लगवा रखी है सबने। रोज है, जो भी है, मतलब मेरे में रोज है। अच्छा है, आंखों में डिफेक्ट लगता तेरे। ये देखो ये सारे आगे चल रहे हैं और पीछे चल रहा हूँ मैं, और गूगल मैप के भरोसे चल रहे हैं। एक्चुअली किसी को रास्ता नहीं पता यहाँ, मतलब चंडीगढ़ में इतना रहता है, मतलब चंडीगढ़ में कोई रहता नहीं है ना, सारे पछुला के यहाँ, तो इतना रास्ता नहीं पता। और ये पूरा जंगली एरिया है, बट ये है कि हम व्हीकल वगैरह चल रहे हैं, ये बात सही है यहाँ पे। सो अभी चल ही रहे हैं हम आगे और देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। फिलहाल तो अभी रॉक गार्डन ही जाएंगे सारे। अबे क्या जंगली वाली हरकतें कर रहे हो फूल तोड़ के? ये फूल तोड़ने लगा यार यहाँ पर, चलो ए। ये हमेश पागल मस्त लग रही है तू। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं रॉक गार्डन, आई थिंक 5-10 मिनट लगेगा, पैदल चल रहे हैं तब से। और ये लोग काफी आगे निकल गए, मैं पीछे थोड़ी फोटोग्राफी करने लगा था फ्लावर्स की। ये देखो यहाँ साइडों में कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, बस इनकी मैं फोटोग्राफी कर रहा था। अगर आपको फोटोज वगैरह देखनी है नेचुरल नेचर की और फ्लावर्स की, तो मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो आप, दुर्गेश प्रजापति 04 है। बाकी ये दो पहलवान जा रहे हैं आगे और वो पीछे, और इनसे भी आगे वो जा रखे हैं। बाकी एक फ्रेंड अभी और मिलेगा यहाँ रॉक गार्डन में, जो मतलब अम्बाला से आई है फिलहाल और सरप्राइज दे रही है हमें वो। सो देखते हैं अभी, एक्चुअली वो पहुंच गई है रॉक गार्डन, सो अभी देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है सबका। वो देखो वो खड़ी है। वो हमें सरप्राइज देने आई थी, हम उसको सरप्राइज देंगे। किससे बात हो रही थी? ओह माय गॉड, ये देखो ये मिलन हो रहा है, ये भरत मिलान हो रहा है, बहुत ज्यादा। इतना गुस्सा ठीक नहीं। मेरी उम्र टिकट काउंटर छोड़ना रहने दे। कहाँ गया प्रशांत? 10 दस ही है, 300 लगना है तू दे। सारे रॉक गार्डन आए हुए थे और रॉक गार्डन की ये खास बात है कि यहाँ जितना भी मतलब आर्टिस्टों ने डिजाइन वगैरह बनाया, ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और इसको नेकचंद ने बनवाया था। सो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के एंजॉय करते हैं सारे। ओए चल एंट्री मिल गई अपने को, चल 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 आगे चल आगे चल आगे चल।
एंट्री मिल गई अपने को यहाँ पे। स्नाइपर ले ले स्नाइपर। पबजी खेलेगी यार। ये देखो यार कितने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट कर रखे हैं यहाँ बंदों ने। हम भी हैं। उमेश पर क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश में पढ़। अरे नहीं, हम भी हैं भाई लोग, हम भी हैं फोटोग्राफर साहब। आज ये लोग कुछ ज्यादा फोटो शूट कर रहे हैं यार, और मैं बस मस्ती एंजॉय करने आया हूँ, नेचर को फील करने आया, क्योंकि यहाँ नेचर भी थोड़ा अच्छा है। तो ये हमारे एक भाई, ये भी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज कुछ ज्यादा। बाकी वो सारे फोटो में लगे हुए हैं यार। अभी नारा लाइयो, हाँ चल बोल ले। जय माता दी। वैष्णो देवी आए जैसे माता के जयकारा लगा रहे हैं लोग। अभी हम वाटरफॉल वाले एरिया में पहुंच चुके हैं, वाटरफॉल होगा और यहाँ फोटो शूट होगा अभी हमारा। बाकी ये यहाँ फोटो शूट के लिए आ चुके हैं हम लोग, फोटो शूट करवाएंगे अभी। यस, हम फोटो शूट करवाएंगे। तो अभी हमारा फोटो शूट हो चुका है, अब चलते हैं हम वाटरफॉल पे और वाटरफॉल पे फोटो शूट करेंगे और वीडियोस भी लेंगे, अच्छे अच्छे शॉट लेंगे। और आते हैं वाटरफॉल पे। फोटो शूट करेंगे। और ये वाटरफॉल काफी मतलब सही है यार, एक तरह से नेचुरल नहीं है बट आर्टिफिशियल है, पर देखने में अच्छा लगता है यार एक तरह से। ये खड़े मेरे दोस्त तो, और मेरे जूते देखो यार, जूते गीले हो गए पूरे, यहाँ पर डालती पानी पूरे गीले हो गए जूते, लेकिन ठीक है यार जैसा भी है। ढेर सारी फोटो शूट करने के बाद अब यहाँ से चल रहे हैं हम सारे। ये पता नहीं कहाँ फोटो खिंचवा रहे थे ये लोग। हाँ डन होगी बिल्कुल। चले उमेश चल, मेरे जूते गीले हो गए पूरे, सब इसकी वजह से हुआ है, सब इस औरत की वजह से। तू नहीं बोला था फोटो शूट हो, राम से मार मत यार। इनका पूरा पानी में घुसा था, पैर इतने बुरी तरह गीले हो गए, और घर जाते जाते इनका बुरा हाल हो जाएगा यार पैरों का। पैरों का बहुत बुरा हाल होगा यार मेरे आज पूरे। और ये आ रहे पीछे अपने दोस्त लोग। चल 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 चल, ये देखो पनौती लोग भी आ रहे हैं। चलते जाओ, चलते जाओ। ये लड़की नहीं दिखनी चाहिए आज के बाद से। यार ये देखो कितनी भीड़ है यार यहाँ, आज लाइन लगी हुई सीढ़ियों पे। और यहाँ ये इन्हें फोटोशूट की पड़ी हुई है ये सारे, इनका ये देखो। अंजलि कितने दिन बाद हमें मिली है, तेरी फोटो भी। हाँ ऊपर तेरा घर है ना। So, नीचे चलो अभी नीचे। और पैरों में मेहंदी ला रखी है सबने लगता है आज। नहीं नहीं, फुल क्रॉस करने में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। ओ माय गॉड, चारी लड़की का सैंडल टूट गया यार। यार देखो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। यही है जिसने इसका तोड़ा। आज घर जाते जाते लेट हो जाएंगे यार, इतना ज्यादा मतलब इन्हें फोटो की पड़ी हुई यार इन लोगों को बस। तो गाइस आप देख सकते हो ये है राहुल की प्रेम कहानी, शिवानी। राहुल लव्स शिवानी। राहुल भाई किधर हो आप? आपका उधर देखो क्या लिखा हुआ है, आपका पुनर्जन्म। आपका पुनर्जन्म हुआ है क्या? आपकी लवर। डोल म्यूजियम चल रहा है।
सो अभी भाई वो तीन प्राणी कहाँ है? वो तीन प्राणी कहाँ गए? आ जाओ तीनों प्राणी, कहाँ थे तुम? ये इस लड़के की वजह से हुआ सारा। नहीं नहीं, मैं जेल में थी। जेल में? जेल में, हाँ, 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 जेल में फोटो शूट करवाया। ओ हीरो रुक जाओ, ओ अभी रुक, कुछ ज्यादा जल्दी भाग रहे हो दोनों, ज्यादा जल्दी भाग रहे हो। कोई नहीं, समझ सकते हम तेरे हालात, लेकिन हाँ आने दो उन्हें भी। ये देखो हम वाटरफॉल पर पहुंच गए, और ये रहा वाटरफॉल, बड़ा खूबसूरत। और ये बीच में अपने भोले बाबा बैठे हुए हैं। और वो साथ में कौन है? कहाँ पे ये नहीं पता कौन है, बाकी वो भोले बाबा है अपने, और उनके साथ में कुछ कुछ भी है। फिश म्यूजियम, ये देखो फिश कितनी प्यारी प्यारी है, ग्लो फिश है ये। कैसे पता चला? यस अब खत्म हो गया ना, इसके बाद? हाँ इसके बाद खत्म है ये। हाँ एक गोल्डन फिश है भाई, कैट फिश है ये। जा कौन सी है? टाइगर शार्क। ये है टाइगर शार्क। बाकी हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता ज्यादा, अब चलेंगे हम मिरर इल्यूजन में। वहाँ मतलब अच्छा लगता है देखने में, मिरर इल्यूजन है मतलब छोटे मोटे नाटे सब दिखते हैं उसमें। वो भाई चल रहे, कितनी खींचेगा फोटो और वीडियो? भाई साहब चल लो यार, चलते हैं ब्रो, चलो। मिरर इल्यूजन में। यस मेरे को इंग्लिश नहीं आती इसलिए मेरे को इंग्लिश नहीं आती, बुरा मत समझना, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर देना। कोई नहीं ब्रो, हम जा रहे हैं मिलल में। मिलल में तोतला बन जाती। ये देखो कैसा लग रहा हूँ भाई साहब। अब डॉल म्यूजियम में जाएंगे हम लोग, ये म्यूजियम। और मेरे दोस्त इतने मतलब इतने खुदगर्ज़ हैं ना भाई, ये लोग खुद चले गए झूला झूलने और मेरे को ना बुलाया, इतने जल्दी जल्दी चले गए। वो देखो वो झूला झूल रहे हैं, वो लोग कैसे दोस्त हैं यार ये मेरे। उमेश यार कैसे दोस्त हैं यार अपने, ये बहुत बेकार हैं यार, ऐसे कभी ना दोस्त हमें चाहिए ही नहीं भाई। बाकी ये देखो डॉल म्यूजियम में जा रहे हैं अंदर, आ जाओ उमेश चलते हैं। वाओ भाई साहब गजब, गजब है डॉल म्यूजियम। यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ऊपर ना चढ़े, बाकी देखने में अच्छा लग रहा है यार। अभी पूरा घूमते हैं डॉल म्यूजियम। ये राजस्थानी कल्चर है ना ऐसा लग रहा है। सो अभी हम डॉल म्यूजियम में आ चुके थे, जैसे आपने एंट्री देखी थी, अब आपको डॉल म्यूजियम के अंदर का सीन दिखा। देखने में अच्छा, जो मतलब यहाँ कलाकारी की गई है डॉल्स के साथ, डॉल बनाने की मतलब एक नंबर है, मजा आ जाएगा आपको यहाँ देख के, और मतलब ठीक ठाक है यार देखने के लिए। बाकी हाँ ये देखो एक माँ बैठी अपने बेटे के साथ में, हेलो। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो मेरे दोस्तों के भी कॉल आने लगे, देखो दोस्तों के कॉल आ रहे हैं। हाँ जी, अरे ये डॉल। सो मेरे दोस्त भी आ चुके हैं, ये चला गया, वो देखो ये आ गई, ये चला गया चलते हैं। सो अभी चल रहे हैं, आ जा वो इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख नजारे देख ऊपर की साइड के, इधर देख इसमें, अरे भाई इसमें देख, ये देखो आप कितना सही लग रहा है देखने में ऊपर का, मतलब गजब लेवल है यार। आ जाओ आगे चलते हैं अभी, और अभी थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी चलते हैं यार आगे, अभी घूमना भी है पूरा और लेट ना हो जाए आपको आज। सो देखने में मतलब अच्छा है, एक काइंड ऑफ मजा आ जाएगा आपको देखने के लिए, और क्या ही बताऊं।
एंजॉय करो अपनी लाइफ में, जितना ज्यादा उसके उतना होगा यार। चलो आ जाओ चलते हैं फिर। बच्ची अपनी बेचारी है सर, यहाँ कुछ ज्यादा उदास हो चुकी है आजकल, क्योंकि आजकल ये हमारी फनी गर्ल, ये आजकल क्यूट गर्ल कॉलेज ही नहीं आ रही आजकल ये, और इस पर इतना गुस्सा आता है कॉलेज में आती ना, ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं भाई, लोग इतना परेशान करते हैं ना, ये देखो कॉल कर रहे हैं मेरे को। हाँ भाई हाँ जी हूँ मैं। हाँ तू बना फिर मैं ले लूंगा तुझसे। अच्छा चल मैं आ गया। देखो मेरे को कॉल करके बुला रहे हैं कि आ जल्दी आप ब्लॉग बना, चलो फिर चलते हैं जल्दी। वो बहुत जरूरी मोमेंट है, सुनो बोलियो दोबारा बोलियो। हम अभी डॉन म्यूजियम में तो चलो चलते हैं अभी डॉन म्यूजियम खत्म करते हैं। नहीं इस साइड भी साफ लिखे हुए कुएं के अंदर नहीं जाना और सुसाइड नहीं करनी देखो पहले। हेलो कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो? चलो हम चलते हैं। जरूर जरूर ब्रो जरूर। अरे औरतें ये कल्चर है शादी वाला, ये उमेश की फ्यूचर वाइफ है और उमेश तेरा अपना उमेश जो कि अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है डोली में। सो अभी आगे चलते रहो, एंजॉय करना ये उमेश, एंजॉय करना ठीक है। उमेश की एक्स है जो मतलब ऐसे नाच रही है टुमक टुमक के, बस उदास है बेचारी। उमेश आपका फ्यूचर ऐसा होगा देख लेना। क्या कहते हैं गोबर से बनते हैं, मतलब गांव में लोग इसी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, मोस्टली खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, जगाने के लिए। अच्छा चूल्हा बनाने के लिए, समझ गए। तो चलते हैं आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार ये लोग कॉल कर करके। ये राजस्थानी कल्चर, ये थाने अभी हम बाहर निकल रहे हैं, एंट्री नहीं थी अभी, एग्जिट है, ये काफी हैवी है यहाँ। चलो ना हम बाहर आ चुके हैं आप दोनों और चलते हैं। कितने गद्दार दोस्तों तुम, छोड़ आए ना पीछे हमें, कोई नहीं सारे गद्दार हो, छोड़ आए हमें, धोखा दिया तुम लोगों ने क्या भाई, धोखा दिया है। उमेश इनके साथ क्या किया जाए बता, झूले की दीवानी है लड़की, बहुत ज्यादा मजा आया सही में, वैसे मस्ती तो बहुत की यार आज, मजा आया। रोल भाई क्या हो गया यार आपको, छोड़ तेरे को क्या हुआ ये बता। मैं मस्ती कर रहा हूँ यार, झूले लगा रखा तूने, बस ऐसी खाना नहीं खाने क्या, किसी ने खा लेंगे, नहीं खाने क्या, हाँ ठंडी हवा चल रही है। सो अभी यहाँ ब्रेक लेते हैं, इतना घूमना फिरने के बाद यहाँ झूले वाले एरिया से निकल रहे हैं आप, बहुत ज्यादा थक गया ना तू, बहुत ज्यादा चार दर्द हो रहा है मेरे, अब चार कंधे बुलाए तेरे लिए। नहीं मैं तेरी कोई अपनी थोड़ी उठवा रही चार कंधे। हम इधर पहुंच गए फाइनली और अभी निकल रहे हैं, डॉल म्यूजियम घूम के आए थे और देखने में अच्छा लग रहा है, रॉक गार्डन अच्छा है, काफी सुंदर बना हुआ है, एक्चुअली सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। सो बैठ के देख, सवारी लेके देख, स्वाद आएगा। तेरे आंखों में डिफेक्ट है क्या, ये तू है, ये तू है, हाँ हाँ तू है ये। ये देखो ये चूड़ियों से बनाया हुआ है सारा, चूड़िया जो टूटी हुई थी, जितना भी वेस्ट था चूड़ियों का, ये सब चूड़ियों से बनाया हुआ, अलग अलग चूड़ियों की डिजाइन है ना, जो अच्छा यार जो मतलब बनाया गया है ना, कलाकारी की गई है, अलग ही है।
चक्कर है निकला है। पहले ये नहीं था यार, ये शीशे वगैरह नहीं थे यहाँ, ये अभी लगाए गए यहाँ। ये कौन से जानवर है? ये डांस करने वाली कौन है ना? तू ना वो नहीं, ये मटकी वाली मैं हूँ। हाँ हाँ तू ही है सब हर जगह। इनके साथ ज्वाइन कर लिए क्या? ये अपने भाई साहब कुछ ज्यादा थक गया, फोटो शूट कर रहे हैं। माँ तेरा प्यार तेरा समझ गए। सो फाइनली हम थक हार के पहुंच गए और यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। सो खाएंगे और यहाँ से ये देखो ये चूचा हमारा, सबके थके हारे चेहरे बहुत ज्यादा।